हेलो एवरीवन, आज हम एक इंडो चाइनीज़ डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वेज मंचूरियन। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हम बंद गोभी लेंगे और उसे कद्दूकस कर देंगे और उसे नमक मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और नमक के कारण गोभी ने पानी छोड़ दिया है और हम इस तरह से हाथ में गोभी दबा कर पानी अलग कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मंचूरियन बॉल सॉफ्ट बने। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा। इसके बाद हम ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। मसाले ऐड करने के बाद हम इस तरह से इसे गोभी के साथ मिला देंगे और मिक्सचर को रेडी कर देंगे। इसमें हमने बाइंडिंग मटेरियल जो डाला था वो मैदा डाला था और कॉर्नफ्लावर डाला था। आपको इस तरह से इसे मिलाना है और पूरी तरह से मिक्स कर देना है। अब हम इसके बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। आप इस तरह से हाथ में इसे ले लें और गोल गोल घुमाकर बॉल्स बना दें। ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो गया है तो इसके बॉल भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं इसको फ्राई करना। इसके लिए हमने ऑयल को हाई फ्लेम पर गरम कर दिया था। इस तरह से एक एक करके आप मंचूरियन बॉल को ऑयल में डाल दीजिए। आपको मंचूरियन बॉल को बड़े ध्यान से फ्राई करना है ताकि तेल के छींटे आपको ना पड़े। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है और ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। जब इन बॉल्स का कलर इस तरह का हो जाए, इस वक्त आप समझ लीजिए कि ये तैयार है। आप इन्हें एक प्लेट में निकाल दीजिए। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख लिया था ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। ये बॉल्स काफ़ी सॉफ्ट बने हैं और इनमें कलर भी बहुत अच्छा आया है। बाकी बचे हुए मंचूरियन बॉल भी हम इसी तरह से फ्राई कर देंगे और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें प्लेट में निकाल देंगे। अब सारे मंचूरियन बॉल तैयार हो चुके हैं। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए कि इसे ओवर फ्राई नहीं करना है क्योंकि इससे सब्जी जल जाती है। अब हम शुरू करते हैं मंचूरियन ग्रेवी बनाना। इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल उसी में से रख लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे लहसुन। उसके बाद उसको गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, अदरक और महीन कटा हुआ प्याज। अब हम इन सबको भून लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद सब्जियां ऐड कर देंगे। हमने ऐड कर दी फूल गोभी। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। इसमें आप और सीजनल वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, मगर अभी मेरे पास यही अवेलेबल थी। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें स्प्रिंग अनियन। इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। इसमें हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना होता है, बस थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना होता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लगभग हाफ स्पून सोया सॉस और अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो इसे और ऐड कर देंगे और इसे भी सब्जियों के साथ मिला देंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो सॉस। मैंने यहाँ पर टोमेटो चिली सॉस ऐड किया है। फिर हम थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे और इन सभी को सब्जियों के साथ मिला देंगे। आज हम जो वेज मंचूरियन बना रहे हैं वो ग्रेवी वाला बना रहे हैं। ये काफ़ी स्पाइसी और सूपी बनेगा। अब हम ऐड कर देंगे काली मिर्च। इसके बाद हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को ऐड करने के लिए आप इसे थोड़े से पानी में मिला दीजिए और इसे तड़के में डाल दीजिए। हमारी ग्रेवी थिक बने इसलिए कॉर्नफ्लावर को डाला जाता है और इसे हिलाकर इसलिए डालना होता है क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। उसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, मगर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इससे पहले बहुत सारी सॉसेस डाली थी और उनमें भी थोड़ा थोड़ा सॉल्ट होता है, तो नमक उसी हिसाब से डालें। हमने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसलिए ऐड किया क्योंकि हम इसे ग्रेवी वाला बना रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस और ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा थिक होने देना है। अब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी थिक हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मंचूरियन बॉल्स। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक होने लग गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी होने लग गई है। इस वक्त हम इसे ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं
और आप देख सकते हैं कि हमारा मंचूरियन बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से आप झटपट घर पर मंचूरियन बना सकते हैं। आप भी इस तरह से मंचूरियन बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका मंचूरियन कैसा बना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह से कुकिंग से रिलेटेड वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।